दोस्तों स्वागत है आपका हमारे शेर बाप की फेवरेट सीरियल घूमी किसी की ब्याह में चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर अश्विनी के फैसले से घर वालों की तो होश उड़ ही जाते हैं, लेकिन इसके बाद ने पत्र लेखा और भी बड़ा झटका घर वालों को देने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सई के घर लौटते ही वो भवानी काकू के बारे में पूछती है और भवानी काकू सीधा बेलन लेकर पहुंचती है, जिसे देखकर सई को तगड़ा झटका लगता है और वो सभी घर वाले बताते हैं कि वो सई के लिए मोदक बना रही है। और ये सुनकर सई को भी यकीन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर विराट और सम्राट दोनों ही भवानी के मजे लेते नजर आते हैं कि ये दोनों मिलकर सबके टांगे चाय कर देते हैं। और भवानी कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम आराम से रेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे मदर के लड्डू तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर आती है देवयानी भी और वो भी काफी एक्साइटेड होती है और कहती है कि मैं भी आई की मदद कर रही हूँ। करिश्मा कहती है, मैं भी कर रही हूँ। और सभी काफी खुश नजर आते हैं, लेकिन पत्रलेखा कहती है, वाह क्या रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है, काश एक हादसा ऐसा मेरे साथ भी हो जाए, उसके बाद में प्रिंसेस की तरह मुझे भी ट्रीट किया जाए। तो सई ये बातें सुनकर सभी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और सई और विराट सम्राट सभी, और वो कहती है कि अच्छा सई तुम्हारी तो कितनी जबान चलने लगी है, तुम अब तो क्या ड्रामा कर रही थी, ये सब कुछ नाटक नहीं बोलने का। और विराट उसको मुंह तोड़ जवाब देता है और सम्राट कह देता है कि मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। और अब सही जब घर लौट आई है तो हम अच्छे से मनाते हैं और यहाँ पर विराट कहता है कि इसको आराम करना चाहिए, मैं इसे कमरे लेकर जाता हूँ। लेकिन अश्विनी तभी फैसला सुनाती है और कहती है कि सही इस घर में रहेगी जरूर, लेकिन दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे। और ये सुनकर घर वालों के होश उड़ जाते हैं और भवानी और सभी का उस पर गुस्सा फूटता है। और यहाँ पर देवयानी भी बुरी तरह से गुस्सा होती है और कहती है कि इन दोनों को अलग बिल्कुल नहीं रहने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर अश्विनी समझाती है सभी लोगों को कि मैंने किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ली और वो एक्सपर्ट ने ही मुझे एडवाइस दी है कि अगर इनके रिश्ते को हमेशा के लिए बचाना है तो इनके बीच में थोड़ी दूरी जरूरी है, इन दोनों का साथ रहना जरूरी है, पास रहना जरूरी नहीं है, और इन दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां वो इसी तरह से दूर हो सकती है। और घर वालों को भी कहीं ना कहीं बात समझ आती है और देखने को मिलता है कि विराट और सई के इस फैसले के बाद ने यहाँ पर पत्रलेखा कहती है कि वाह ये तो एक अलग ही कल का है जो है फैसला है, इसमें तो भाई विराट और सई पहले की अब क्या दूरियां कम थी जो अब इनको अलग अलग कमरे में रखा जाएगा, पहले तो अलग अलग सोते ही थे। और ये सब खुलासा पत्रलेखा का भवानी पर बड़ा झटका देता है और भवानी कहती अलग अलग सोते थे, इसका मतलब क्या है। और इसके बाद वो कह देती है कि इन दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी रिश्ता नॉर्मल नहीं था, ये दोनों हमेशा अलग अलग बेड पे ही सोते थे। और ये सुनकर घर वालों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अब भाई अश्विनी यहाँ पर कुछ नहीं सुनती है और विराट और सई को दोनों अलग अलग कमरों में भेज देती है। और यहीं पर शुरू होगी इन दोनों की एक रिश्ते की नई शुरुआत, जहाँ पर विराट और सई को एक दूसरे की अहमियत का एहसास होगा, एक दूसरे के प्यार का एहसास होगा। अब देखना है कि इजहार कम होता है।